लागू दो चरण को, धनी ना छुड़ायो खिन, लाक तली लाल एड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पलना वालू निर्खुने त्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जो आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राज जी महाराज के चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, आज बहुत ही एक प्यारी सी आपको बात बताना चाहूंगी। मुझे क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा गला खराब है तो शायद आवाज में थोड़ी सी डिस्टरबेंस आएगी। एक बार एक आदमी था, वो 7वीं मंजिल पे रहता था। उसने एक सत्संग आयोजित किया, एक फकीर को बुलाया, 100-150 लोग आए उनके सत्संग पे। अच्छा, सब लोग सुन रहे थे बहुत आराम से। अचानक से भूकंप आया, 7वीं मंजिल पे बैठे हुए मंजिल हिलने लग गई। भूकंप में सब इतना घबरा गए कि सत्संग छोड़ो, सबने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। 7वीं मंजिल से नीचे तक धीरे धीरे सारी सीढ़ियां फुल हो चुकी थी। 150 लोग कोई कम नहीं होते नीचे उतरते हुए, और बिल्डिंग भूकंप से तो हिल ही रही थी, उनके कदमों के उससे भी हिल रही थी आवाज से। अब क्या हुआ, अचानक से उस घर के मालिक को याद आया कि जिन फकीर को हमने सत्संग करने के लिए बुलाया था वो तो कहीं नजर नहीं आ रहे, भाग दौड़ में कहीं वो ऊपर ही फंसे तो नहीं रह गए, मैं उनको देख कर आता हूँ। वो वापिस ऊपर गया उनके लिए और देखा कि फकीर तो अपनी ही जगह पर आंखें बंद आंखें मूंद कर आराम से ध्यान में बैठे हैं। बहुत हैरान हुआ, भागने का बहुत मन किया, परंतु उनका शांति से भरा हुआ मुख उसको अपनी तरफ खींच रहा था। वो भाग नहीं पाया, वहीं बैठ गया उनके सामने कि जो फकीर का होगा मेरा भी हो जाएगा, मैं भी यहीं बैठूंगा। बैठा रहा, सुनता रहा। करीबन 1 घंटे बाद सारी दुनिया, सारे वो शहर जो था वापिस अपने उसमें आ गई। भूकंप थम चुका था और सब भाग कैसे रहे थे उस टाइम जब भूकंप आया था, तो सुरक्षित स्थान की ओर, दूसरी बिल्डिंग की ओर भाग रहा था। कोई सोच रहा था मैं नीचे चला जाऊं। अब जैसे ही ये सब कुछ थम गया, वापिस सब नॉर्मल हो गया, फकीर ने आंखें खोली और जहां से प्रवचन बंद किया था वहां से शुरू कर दिया। अभी आदमी ने कहा कि आप ना ये मत बताइए, मैं तो सब भूल गया, आपने कहाँ बंद किया था प्रवचन, कहाँ शुरू कर दिया, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे आपसे एक बात पूछनी है, जब हम सब भाग रहे थे तो आप क्यों नहीं भागे, आप यहाँ क्यों बैठे रहे। बड़ा ही सुंदर उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मैं भी डर गया था, मैं भी भाग गया था, तुम सब बाहर की ओर भागे, मैं अंदर की तरफ भाग गया। तुम लोग सुरक्षित स्थान की तरफ भागे क्योंकि तुम्हें लगा दूसरी बिल्डिंग में सुरक्षित स्थान है, परंतु भूकंप तो पूरे शहर में आया हुआ है, सुरक्षित स्थान तुम्हें कहाँ मिलेगा। परंतु मुझे अपने मन के भीतर एक स्थान ऐसा पता है जहां कोई भूकंप प्रवेश नहीं कर सकता। मैं हमेशा अपने उस स्थान की तरफ मुड़ जाता हूँ और मैं आज भी वहीं गया था। और ये भूकंप से रहित स्थान, देखिए माया के भूकंप तो आते ही रहते हैं, हर एक की जिंदगी में
रोज माया कोई ना कोई भूकंप लेकर आती है, किसी की जिंदगी में थोड़ा हल्का तो किसी की जिंदगी में थोड़ा भारी। माया की तरफ उनके उपाय खोजने से, भागने से अच्छा अपने भीतर की ओर वो स्थान ढूंढे जहां किसी भूकंप का कोई प्रवेश नहीं होता। कौन सा स्थान है? हमारी आत्मा का हृदय, जहां मेरे पिया विराजमान है, वहां माया का कोई भूकंप प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे धनी अपार सुख और अखंड आनंद लेकर बैठे हैं मेरे हृदय में। और उन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात कही कि वो जो स्थान है ना, हम लोग सोचते हैं मृत्यु करीब होगी तो ढूंढ लेंगे, बैठ जाएंगे, जब माया से समय मिलेगा तो बैठेंगे और ढूंढेंगे, उस स्थान को मिल जाएगा। परंतु आपने देखा है, आपने किसी नई जगह पे जाना हो, आप मैप्स लगाते हो, पूछते हो, रास्ता पूछते पूछते जाते हो कई बार, फिर धीरे धीरे यदि आप उस स्थान पे रोज जाना शुरू कर दो, आपको मैप्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको शनै शनै वो रास्ता याद हो जाता है। फिर तो चाहे आप किसी घबराहट में भी हो ना, आपको वो रास्ता, बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा है, कभी नहीं भूलता उनको स्कूल का रास्ता, क्योंकि रोज जाते हैं, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे तूफान आ जाए, पर बच्चों को स्कूल का रास्ता अपना पक्का पता है, चाहे वो बातें करते हुए भी जाए, पहुंचेंगे वो स्कूल ही। इसी प्रकार उस रास्ते को आज ही ढूंढ लीजिए सुंदर साथ जी, रोज रोज वहां जाते रहेंगे, मुड़ मुड़ कर वहां जाते रहेंगे, तभी जब भी कोई भूकंप आएगा तो फट से वहां पहुंच जाएंगे। उस टाइम सोचें कि हम रास्ता ढूंढ लें तो इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। तो रोज चितवन में बैठकर भीतर की तरफ मुड़ जाइए, माया के भूकंपों की बिल्कुल परवाह मत कीजिए, क्योंकि वहां इतनी शांति मिलेगी कि जब आपकी सुरता अपने आप बाहर वापिस आएगी तो ये भूकंप आप पर कोई असर नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ सुंदर साथ जी, आज से 2 हफ्ते तक छुट्टी रहेगी। ये कार्यक्रम सुबह नहीं हुआ करेगा, चर्चनी की क्लास, और श्री निजानंद ग्रुप शिकागो में जो सैटरडे की चर्चनी की क्लास होती है वो भी 2 वीक्स तक नहीं होगी, वहां पर भी चर्चनी की क्लास नहीं चला करेगी। और इस कार्यक्रम को ऑफिशियली 1 से 1.5 घंटे का कर दिया गया है, क्योंकि जनरली 1.25 घंटा लग ही जाता है, तो इसको फ्लेक्सिबिलिटी, सुंदर साथ जी के अनुरोध पर फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान की गई है कि इसको 1 से 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, वो 1.25 भी हो सकता है, वो 1.5 भी हो सकता है, वो 1 घंटा भी हो सकता है, तो ये ऑफिशियली 1.5 घंटे का रहा करेगा। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं आज, क्योंकि लास्ट क्लास है, 2 हफ्ते बाद फिर मिलेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में वो अनाउंसमेंट्स मिस मत कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में श्री प्राणनाथ जी वाणी व्हाट्सएप ग्रुप में मंडे से पासिंग द पार्सल गेम खेली जाएगी। सुंदर साथ को पार्सल हम पास करेंगे और किस प्रकार उस खेल को खेलेंगे, आप सबको बहुत आनंद आएगा, और ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाएगी। अभी चलते हैं हम हिंडो, यदि आप में से कोई सुंदर साथ या आप के जानने वाले कोई सुंदर साथ ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो कृपया अपना नंबर, उनका नंबर ग्रुप में लिखकर भेजिएगा, उनको ऐड कर दिया जाएगा। अभी हम चलते हैं हमारी प्यारी हिंडोला टीम की तरफ। अति सुंदर, मैं आपको ये भी एक बताना चाहूंगी कि हमारे स्वरूप साहिब में देखिए, श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोय, धाम रास ब्रिज जागनी मिले इंछित सुख सोए। तो श्री मुखवाणी का मंथन करना कितना जरूरी है। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करही नित पाठ, एहनिस युगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। तो इन सातों घाटों में रमण करना है तो स्वरूप साहिब के दर्शन रोज जरूर करने होंगे और मंथन करना होगा। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को सेवे आठों जाम, उन सब सुंदर साथ को करूं दंडवत प्रणाम। आप सब सुंदर साथ जी जो चर्चनी चितवनी वाणी मंथन की ओर सुबह सुबह उठकर इतना समय भाव से और दिल से बैठते हैं, देते हैं, उन सब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सुबह की चितवन रोज चला करेगी, केवल चर्चनी के कार्यक्रम पे थोड़ा सा पॉज दिया गया है, ओनली 2 वीक्स के लिए। ये बहुत सुंदर नक्शा बनकर आया है,
एक सुंदर साथ जी ने प्रश्न पूछा था इनके बारे में, वो हम हिंडोला टीम के सारे प्रश्न जब खत्म हो जाएंगे ना उनके बाद ये नक्शे के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर ये क्या है। और सुंदर साथ जी आज थोड़ा सा कार्यक्रम लंबा हो सकता है क्योंकि टीम के प्रश्न लेने तो पूरे जरूरी हैं, तो वील बी फ्लेक्सिबल अबाउट इट। हाँ जी, तो सबसे पहले हम चलेंगे हमारे प्यारे श्रीनिवास जी की तरफ। हिंडोला टीम हमारी सज कर हिंडोला तैयार है अपने प्रश्नों के साथ, तो आइए चलते हैं श्रीनिवास जी की तरफ। उनके कौन से चार प्रश्न ऐसे हैं जो वो सुंदर साथ जी से पूछना चाहते हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथकों को कोटान कोट प्रणाम। हाँ जी, आपका मुझे कैमरा ऑफ है। ऑफ है। एक सेकंड। अच्छा, प्रणाम जी, प्रणाम। अच्छा, प्रणाम जी। मैं ये कह रहा था बहन जी, ये वो हमारे ना नेहा जी की रिक्वेस्ट आई है, उन्हें ड्यूटी पे जाना है, तो पहले उनसे आप प्रश्न पूछ लें तो ज्यादा अच्छा है। तो आप नेहा जी के प्रश्न भी पूछ लीजिए। अच्छा, नेहा जी है हमारे पास, वेरी गुड। हाँ, वो आई ठीक है हुई। ठीक है, मुझे लगा वो आ नहीं। अरे वाह, क्या बात है, आज हम नेहा जी से भी मिल पाएंगे। देखिए, जॉब पर जाने से पहले प्रश्नों की सेवा वो अपनी देना चाहती हैं। अति सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम जी बेटा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आंटी जी, मैं प्रश्न पूछूंगी और सुंदर साथ जी हैंड रेस करेंगे, तो मुझे पिक करना है या आप पिक करेंगे सुंदर साथ जी को? अगर आप पिक करना चाहेंगे तो वेरी गुड, आप पिक कर सकते हैं। और सुंदर साथ जी देखिए, पहली बार नेहा आई है हमारे पास, वी कैन डू द एनकरेजमेंट पार्ट, उनको एनकरेज कर सकते हैं। कोशिश कीजिए जितने सुंदर साथ कैमरा ऑन कर सकते हैं कर सकते हैं, कीजिए यदि हो सके, इफ यू आर कंफर्टेबल। थैंक यू सो मच सुषमा जी, मुकेश जी, वीना जी, बहुत सुंदर साथ, थैंक यू। हाँ जी, आप स्टार्ट कीजिए। आंटी प्रणाम जी, मुझे जी। सिर्फ 6 सुंदर साथी दिख रहे हैं, तो सब नहीं दिख रहे हैं। हाँ जी, आपकी स्क्रीन पे शायद इतने ही दिखेंगे, नहीं तो मैं पिक करती आप, जाऊंगी। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी जी। तो सुंदर साथ जी, मैं बड़े सरल प्रश्न के साथ शुरुआत करती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, अमृत वन में कुल कितने बगीचे आए हैं? ये तो सब सुंदर साथ जी को आता है हमारे, वेरी गुड, एवरीबडी विल रेज देयर हैंड्स। नए सुंदर साथ कर रहे हैं, अति सुंदर, बहुत प्यारा। हाँ जी, जिग्ना जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। अमृतवन में 8 बगीचे आए। जी, सही जवाब। अरे वाह, खाता देखिए, खाता कितना सुंदर खुला है, बिल्कुल सही जवाब के साथ, अति सुंदर, प्रणाम जी। मेरा दूसरा प्रश्न है, फूल बाग की कितनी लंबाई चौड़ाई आई है तथा उसमें कितने बड़े बगीचे आए हैं? कॉन्फिडेंस देखिए, आपने प्रश्न नहीं पूछा था, कुसुम आंटी का हाथ पहले से खड़ा हुआ था। वेरी गुड। हाँ जी, दक्ष सिद्धपारा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। फूलबाग 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है और उसमें 10 बगीचे के 1000 बड़ा बगीचा आया है। क्या बात है, अभी वो सारे बगीचों के पार्ट्स भी बता देंगे अगर आपने उनको नहीं सही रोका तो। वेरी गुड, बहुत सुंदर, जवाब, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा तीसरा प्रश्न है, मूल मिलावे में कितने मंदिर आए हैं तथा चबूतरे पे कुल कितने थंब आए हैं? मूल मिलावे के मंदिर और चबूतरे के थंब। अरे वाह, प्रोफेसर हिना चड्डा जी, प्रोफेसर साहब से पूछिए। ये 60 मंदिर आए हैं और 64 थंब आए हैं चबूतरे पे। जी, अरे सही वाह, जवाब। अति सुंदर, देखिए बेंगलोर से सवाल पूछे जा रहे हैं ये, अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। मेरा आखिरी प्रश्न है, मूल मिलावे में थंबों के बीच में कुल कितने तकिए आए हैं तथा उनके रंग भी बताइएगा। अरे वाह, ये तो ट्विस्ट है, तकियों के रंग, ये तंबों के रंग। किनके रंग, एक बार फिर से बोलिए। मूल मिलावे में थंबों के बीच में कुल कितने तकिए आए हैं तथा उनके रंग भी बताने हैं। अरे वाह, क्या बात है, अति सुंदर। हाँ जी, तो कौन से सुंदर सा, मंजुला दीदी, प्रणाम जी।
मूल मिलावा में 60% आए हैं, रंग लाल है। जी 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 सही जवाब। आपने समझ लिया मंजुला दीदी, मैं तो तंबू के रंग बताने वाली थी। बहुत सुंदर। देखिए यूएसए में बैठे हुए, यूएस में बैठे हुए बैंगलोर से बात समझ गए, यही तो है एक दिल्ली। अति सुंदर। जी 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 बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नेहा आपने बहुत प्यारे प्रश्न बनाए हैं और बहुत इतनी प्यारी स्माइल के साथ वो सुंदर साहब से पूछे हैं। देखिए सबके चेहरे खिले हुए हैं आपके दर्शन करके आज, अति सुंदर। और जब भी आपके पास समय हो जॉब पे जाने से पहले अगर 10 मिनट भी हो तो आप जरूर आया करें। जी 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 प्रणाम जी। प्रणाम जी। हिंडोला टीम इज सो लकी टू हैव यू। प्रणाम जी। हाँ जी, तो अब हम चलते हैं अपने प्यारे श्रीनिवास अंकल जी की तरफ। वार्म अप कराया हमारी प्यारी नेहा ने, अब देखिए वो कौन सी एक्सरसाइज हमें करवाते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम। ये मेरे 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, पंच महलों की कुल कितनी संख्या है तथा प्रत्येक पंच महल में कितने दरवाजे आए हैं? बहुत सुंदर प्रश्न, वेरी ब्यूटीफुल। हां जी, आज पहली बार प्रभा जी ने हैंड रेज किया है तो उनसे पूछते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रश्न एक बार दोबारा बोलना। आपका ना वो भी हो रहा है, दूसरी डिवाइस को बंद कर लीजिए। हाँ जी, डिस्कनेक्ट ऑडियो कर लीजिए। एक बार प्रश्न फिर से बोलेंगे। पंच महलों की कुल कितनी संख्या है? अगर 924। ये ना बता सके। 4 हारे हैं। ठीक। एक पंच महलों की 4 हारे हैं ना, 924। हाँ करेक्ट। आगे दूसरा, आगे क्या है? पंच महलों की कुल कितनी संख्या है? 924। राइट। तथा प्रत्येक पंच महल में कितने दरवाजे आए हैं? 16। बहुत सुंदर। अरे वाह, बहुत सुंदर। 231 हारे होती है हवेली की, तो 4 पंच महल एक ही फिरावा टाइम्स 4 कीजिए, 924 और 16 दरवाजे। अति सुंदर। प्रणाम जी। अब प्रश्न नंबर 2 बोलते हैं। श्री रंग भवन के 9 चौकों के मध्य चौक में, श्री रंग भवन के 9 चौकों के मध्य चौक में कुल कितने मंदिर आए हैं? जो हमारे 9 चौक आए हैं बीच में रंग महल के, तो उनके मध्य के अंदर जो चौक आया, यानी 5 नंबर का जो है, तो उसमें कुल कितने मंदिर आए हैं? हाँ जी सुंदर साहब जी, मध्य वाले चौक में, 9 चौकों में मध्य वाले चौक में कितने मंदिर आए हैं? अरे वाह, ये सब सुंदर साहब को आता है। जैसे हमें श्री मूल मिलावा पता है, वैसे ही हमें वो भी पता है। क्या पता है? हाँ जी, दुष्यंत तोमर जी। प्रणाम जी। और सुंदर साहब जी, चैट में लिखना थोड़ा सा अवॉइड करेंगे ताकि सुंदर साहब हैंड रेज करेंगे ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साहब जी, पांचवी भवन पे तो 12,001 आए हैं। हाँ जी बिल्कुल, है ना श्रीनिवास अंकल? वो सभी भवनों पर 12,001 ही आए हैं। वो जो हमारा रंग पर वाली मंदिर है वो पर्टिकुलर 5 पर ही नहीं है, वो सभी भवनों पर है। इसलिए ये उत्तर सही है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, 12,001 ही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब तीसरा प्रश्न है, श्री रंग भवन के प्रत्येक चौक में कितनी हवेलियां आई हैं तथा एक हवेली में मंदिरों की क्या संख्या है? टोटल कितने, द्वारा से बोलते हैं, श्री रंग भवन के प्रत्येक चौक में हर एक में अलग अलग कितनी हवेलियां आई हैं एक के अंदर, और एक हवेली में मंदिरों की, हवेली के में मंदिरों की संख्या क्या है? एक हवेली में कितने मंदिर आए हैं? हाँ जी,
वेरी गुड। ये पूछते हैं हम सुषमा, वो तो आपकी टीम की है, उनसे थोड़ी ना पूछेंगे हम। कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक हवेली में 88 मंदिरों की संख्या आई है और चार चार हवेली चार हारों की एक वो आई है, जिसे इसी प्रकार चार चौरस चार गोल चार चौरस तो 8 छुड़ावे वो एक पंचमोलों का छुड़ावा। हाँ जी श्रीनिवास अंकल। वो जो हवेलियों की संख्या कितनी आई है अभी द्वारा से बताएं। क्वेश्चन समझा नहीं है इन्होंने, फिर से बोलो। जो हमारे 9 चौक आए हैं ना, तो उसी किसी हर एक चौक के अंदर जो है टोटल हवेली कितनी आई है? 9 चौक के अंदर बतानी है? 9 चौक में नहीं, फिर 9 चौकों में नहीं, एक चौक के अंदर कितनी हवेली आई? 12,001 मंदिर नहीं आंटी, हवेलियां 64 हवेलियां, 8 की 8 आ रहे। हाँ, और उसमें एक हवेली में जो अंदर के 2 फिरावे हैं उनमें टोटल मंदिर कितने बने? बाहर की हार में 60 मंदिर है और अंदर की हार में 43। करेक्ट, बिल्कुल, बहुत सुंदर, परफेक्ट टू द पॉइंट, परफेक्ट, बिल्कुल सही कुसुम आंटी। तो 9 चौक में हवेली में 103 यानी 60 और 43, 103 मंदिर आते हैं और 8 की 8 हारे यानी 64 हवेली। बिल्कुल प्रणाम। प्रश्न नंबर 4, श्री लाल चबूतरा के दक्षिण में कितने मंदिर आए हैं और प्रत्येक मंदिर की शोभा कैसी आई है? द्वारा से, श्री लाल चबूतरा के दक्षिण में कितने मंदिर आए हैं और प्रत्येक मंदिर की शोभा कैसी आई है? अरे वाह, अति सुंदर श्रीनिवास अंकल, वेरी गुड, क्या बढ़िया प्रश्न बनाए हैं आपने, वेरी गुड। हाँ जी नीलम मिड्डा जी प्रणाम जी, जल्दी जल्दी हाथ खड़ा कीजिए। सुंदर साज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। 1200 मंदिर आए हैं और मंदिरों में झरोखा ने आकर के 3 दरवाजे आए। ये वैसे उत्तर ठीक लिया जा सकता है, वैसे जो उनकी संख्या आई है वो 1185 है महाराज जी के अनुसार, क्योंकि जो 15 मंदिर हैं वो उस पर चले जाते हैं, 15 तो, मंदिर साइड की छोड़ के। लेकिन हम सामान्य तौर पर बोलते यही हैं कि 1200 मंदिर जो है वो उस लाल चबूतरे पे आते हैं, तो इसलिए इनका उत्तर बिल्कुल ठीक है। और जो एक्चुअली श्रीनिवास अंकल उनका उत्तर भी सही, आपका भी, पता है क्यों? बाहर की दीवार से यदि आप देखें तो 1185, मंदिरों की अंदर की दीवार से देखें तो 1200, ऐसे करते हैं ना वो, अति सुंदर, बहुत प्यारा। और इसके अंदर ये कि वहां जो झरोखा ना आने के कारण से वो 3 दरवाजे हो गए हैं, ये विशेष शोभा पिया जी ने, क्योंकि सब सबको एक साथ ही अंदर जाना है तो हाँ, तो इसलिए 3 दरवाजे अपने आप सब खुले मिलेंगे आपको 1200 के 1200 मंदिर के। प्रणाम जी। प्रणाम, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी नीलम दीदी, परफेक्ट। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी श्रीनिवास अंकल के बहुत अच्छे प्रश्न रहे, देखिए कितना आनंद आ रहा है ना, अलग अलग रूप के मुख से उनके दिलों के भाव प्रश्नों के रूप में लेकर, अति सुंदर। तो अब हम चलते हैं शांति देवी जी की तरफ, शांति देवी जी से अगले प्रश्न हम सुनेंगे। हिंडोला टीम, यू आर डूइंग सो गुड, वेरी गुड। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहली बार ना कोई भी कार्य पहली बार लीड होके करना बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद तो फॉलो कर ही लेते हैं, तो ये एग्जाम्पल हिंडोला टीम ने जो सेट किया है आगे होकर, बहुत प्यारा एग्जाम्पल। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर सा जी, हमारे रंग महल में कितने हाथ आए हैं? इसमें कितने हाथ खड़े होने चाहिए ये बताइए आप, 110 हाथ खड़े होने चाहिए कि नहीं? मैं भी कर लूं, 109 रह जाएंगे नहीं तो। हाँ जी इसमें 110 हाथ खड़े होने चाहिए कि रंग महल में कितने, 110 नहीं 120 हाथ खड़े होने चाहिए, रंग महल में कितने हाथ आए हैं? एवरीबडी नोस, तो न्यू सुंदर साथ जिनके भी हाथ खड़े होंगे आई पिक। बिल्कुल, अरे वाह क्या बात है, अति सुंदर। नेहा जी से पूछ नहीं सकते, नहीं तो अभी बता देती हमें, क्योंकि उनकी टीम की है वो। हाँ जी सुंदर साथ जी के नाम से,
सुंदर साथ जी, ये सब सुंदर साथ जी को रिप्रेजेंट करेंगे। प्रणाम जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए जल्दी से, नहीं तो मैं रानी दीदी की तरफ जा रही हूँ। हाँ जी, रानी दीदी से पूछते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 201। अरे वाह, क्या बात है, श्री रंग महल में 201 हांस, मुजफ्फरनगर। सुंदर सात जी से ये प्यारी सी बात आई, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत ठीक। दूसरा प्रश्न बोल रही हूँ, प्रत्येक हांस कितने मंदिर के आए हैं? प्रत्येक मंदिर, प्रत्येक हांस बात है। हाँ जी, मैं एक मिनट, सुंदर साथ फटाफट भागते जा रहे हैं। मैंने स्क्रीन पे खड़ा हुआ अभी एक प्यारा सा हाथ देखा है, उनको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। देखिए कौन है। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी, मम्मी जी, प्रणाम जी। हर एक हांस 30 मंदिर का और सामने वाला 10 मंदिर का, जो अलग से 5-5 मंदिर 30 मंदिर में से लिए गए। क्या बात है, रिवीजन। प्रणाम जी, रिवीजन की ताकत देखी आपने, क्या बात है, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। दूसरा मम्मी जी तो दूसरा प्रश्न भी बता दी, मेरा तीसरा प्रश्न यही था, क्या सभी हांस समान आए हैं? क्या बात है, उन्होंने दोनों प्रश्न कवर कर लिए उसमें। तो रुकिए रुकिए, हम ये फिर से सुंदर साथ से पूछते हैं, नए सुंदर साथ स्पेशली हाथ खड़ा करेंगे, क्या प्रत्येक हांस समान है? वेरी गुड, ये कौन सी टीम से थे? अनीता दीदी की टीम से ये हमारे थे, जिन्होंने दो प्रश्न एक ही बार में कवर कर लिए। अति सुंदर तैयारी चल रही है। चंद्रिका दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, चंद्रिका बेन, आई थिंक नहीं हो पा रहा है, लुक्स लाइक। तो हम चलते हैं। हाँ जी, सुरक्षा आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, चंद्रिका बेन ने कर लिया। प्रणाम जी। हाँ जी, बताए बताइए चंद्रिका बेन, क्विकली। कोई बात नहीं, हम सुषमा दीदी से पूछते हैं। मैं बता रही हूँ। हाँ जी बताइए। हेलो, प्रत्येक सांस जो है ना 30-30 सांस का तो आया, जो आगे वाला है ना वो 25-25 सांस का आया है, उसमें 10-10 सांस जो है ना, 10 सांस का आगे जो है ना, जब आगे दलान बढ़ाई गई है, इसीलिए 25 सांस का आगे वाला, बाकी 30-30 सांस के आए। अरे वाह, अति सुंदर, इसमें सारा कुछ सही, अति सुंदर सुरक्षा आंटी, वेरी गुड। प्रणाम जी, इसमें इन्होंने एक शब्द कौन सा है जो चेंज होना चाहिए, केवल एक शब्द, वो क्या शब्द था? मैं सबके हाथ नीचे करती हूँ, केवल एक शब्द इस आंसर में बदलने की जरूरत है, वो कौन सा था वो हमें बताएंगे। जयश्री बेन का स्क्रीन पर भी हाथ खड़ा हुआ है, तो जयश्री बेन हमें बताएंगे कि वो एक शब्द क्या बदलना चाहिए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो दरवाजे के ऊपर की आंख एक है, वो आंख के साइड वाले दोनों साइड 25-25 हो, बीच में दोनों में से 5-5 ले लिया है इसके, ये आंख पर। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, इसमें मुकेश कुमार जी, क्या एक शब्द बदलना चाहिए? मुकेश जी जल्दी से अनम्यूट करेंगे सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मैं बीच का जो है मेन धाम दरवाजे का, वो 10 हांस का आएगा, साइडों में 25-25 के, उसके अलावा बाकी जो 30-30 मंदिर के। मंदिर, हांस को मंदिर में बस बदलना था कि 10 हांस 25 हांस नहीं, 10 मंदिर का हांस 25 मंदिर। अति सुंदर, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। हां जी, शांति देवी जी, अति सुंदर प्रश्न, क्योंकि बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं, वेरी गुड। तीन प्रकार के हांस हो जाते हैं, 30 मंदिर, 25 मंदिर और 10 मंदिर के। बिल्कुल जी। और चौथा प्रश्न है, हर दो हांस के संधि में किसकी शोभा आई है? बहुत प्यारे प्रश्न, हर दो हांस की संधि में किसकी शोभा आई है?
हाँ जी, कौन से सुंदर साथ बता रहे हैं ये? वाओ क्या बात है, इतने खड़े करते जाइए। वेरी गुड वेरी गुड सुंदर साथ जी। अब मैं फिर से एक चांस और सुंदर साथ जी के नाम से जो है, एक फ्यू सेकंड्स वेट करेंगे नहीं तो पासिंग द पार्सल। हाँ जी, गौर जी की शोभा। आप अपना नाम भी बता दीजिए। अपेक्षा। अपेक्षा, अरे वाह, देखिए अपेक्षा हमारी। क्या बात है प्रणाम जी, मैंने मुझे लगा ये खनकती हुई आवाज हमारी अपेक्षा की है। प्रणाम जी अति सुंदर बेटा, अति सुंदर। हाँ जी, गुर्ज की शोभा आई है। वेरी गुड प्रणाम जी। प्रणाम जी। शांति देवी जी, आपको प्रश्न बनाकर कैसा कैसा अनुभव हुआ आप बताइए। अच्छा लगा बहुत, पहले तो संकोच कर रही थी कैसे करूं, फिर राजी क्या हुक्म करवा दिए, अपना नाम ऐड भी करने को नहीं बोली थी, पता ना कैसे राजी ऐड करवा दिए टीम में। अरे वाह, आपने पता है कितने सुंदर प्रश्न बनाए हैं। देखिए, नोबडी इज कैप्टन, राजी बोलते हैं मेरे साथ सारी रूहें खड़ी होकर। दीप से दीप जब जल जाता है ना, पता नहीं लगता कौन सा दीपक पहले जला था कौन सा बाद में, सारे कैप्टन बन चुके हैं सुंदर साथ। अति सुंदर, आपके चरणों में विशेष तौर पर प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, तो हमारी अगली मेंबर भी तैयार है, वो कौन है हमारी प्यारी सुषमा जी, सुषमा शर्मा जी। अति सुंदर, उन्होंने हमें बहुत सुंदर नोट्स भी बनाकर भेजे थे जो हम सब सुंदर साथ ने आनंद लिया था। हाँ जी सुषमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, मेरे प्यारे सभी साथ के चरणों में कोट कोट प्रणाम जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे ये सुबह मिली आज राजी नदी। मेरा पहला प्रश्न है सुंदर साथ जी, व्रत की हवेली में किस दिशा में किस रंग की शोभा आई है, और कोने के मंदिरों में कौन कौन से रंगों की आभा पड़ती है। क्या बात है, नृत्य की हवेली में कौन कौन से रंगों की चारों दिशाओं में शोभा आई है, और कोने के मंदिरों पर कौन कौन सी आभा पड़ती है। अति सुंदर प्रश्न, वेरी गुड। हाँ जी, अरे वाह क्या बात है सुषमा धामी जी, डबल दो आशीर्वाद उनके मिल रहे हैं, हमें तीन आशीर्वाद, दो तो यहाँ पे और एक स्क्रीन पे भी। वेरी गुड, आपसे पूछते हैं प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। नृत्य की हवेली में पूर्व में तो हरे रंग के थंब आए हैं जिसको नीला भी कहते हैं, उत्तर में पीले रंग के आए हैं जो पुखराज के कहे जाते हैं, और पश्चिम में हीरा के आए हैं जो सफेद रंग के होते हैं, और दक्षिण में लाखे रंग के हैं जिधर मानिक रंग के होते हैं। इनके कॉर्नर में उत्तरी पूर्व में तो इधर हीरे और पीले रंग की आभा आती है कोने वाले मंदिर में, और पश्चिम में हीरा और पुखराज की आती है, और दक्षिण इधर दक्षिण पश्चिम में हीरा और लाखे रंग की आभा आती है, और उत्तर इधर पूर्व में हीरा हरे रंग की और दक्षिण लाखे रंग की आभा आती है चारों कोने में। अति सुंदर, अति प्यारा, एक सुंदर साथ जी, बहुत ही प्यारा ये उत्तर रहा। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। एक सुंदर साथ जी, अब उत्तर पूर्व की बजाय कोने का नाम लेकर भी बताएंगे, ताकि जिन सुंदर साथ को थोड़ा सा नहीं पता लगा हो उनको भी पता लग जाएगा। सुषमा त्यागी जी, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, ऐसे भी एक बार रिपीट करेंगे। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। हाँ जी सुषमा, प्रणाम जी। ये अग्नि कोने में हरा और माणिक। हाँ जी। और नैऋत्य कोने में माणिक और हीरा। हाँ जी। और वायव कोण में हीरा और पुखराज, और ईशान कोण में पुखराज और पांच। अरे वाह क्या बात है, अति सुंदर, सही है ना सुषमा दीदी, अप्रूव्ड। प्रणाम जी, बहुत प्यारा प्रणाम जी, आप दोनों के चरणों में। अरे वाह, मैंने नोट नहीं किया था, दोनों सुषमा जी ने ही उत्तर दिया है मिलकर। प्रणाम जी, और पूछने वाले पूछने वाली भी, ये तो मैंने देखा ही नहीं कि यहाँ तो तीन तीन तीनों ही सुषमा। अरे वाह क्या बात। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, मेरा दूसरा प्रश्न है, पूर्व दिशा सॉरी श्री नूरबाग जी में कुल कितने थंबों की शोभा आई है,
आप तब तक एक बार रिपीट कर दिया करें जब तक हैंड रेस कर रहे हैं। श्री नूर बाग जी में कितने थंबों की कुल संख्या आई है? अरे वाह, नूर के थंबों की संख्या टोटल बताएंगे सुंदर साहब। कल ही तो नूर बाग के नोट्स आए थे, सबने पढ़ लिए होंगे, सबको बताऊंगे। आज तो फ्रेश फ्रेश पढ़े हैं सब सुंदर साहब ने। हाँ जी, शकुंतला थपालिया जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, 66,000 थंब आए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। रफली यदि काउंट करें तो 66,000 अति सुंदर अति प्यारे नूर के थंब और इनका एग्जैक्ट अमाउंट। प्रणाम जी शकुंतला जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर। और अब एक सुंदर साथ बताएंगे रफली एंड एग्जैक्ट, एग्जैक्ट कितने आए हैं। किसी सुंदर साथ जी को याद है? बहुत सारे सुंदर साथ को याद है लुक्स लाइक। हाँ जी, हाँ जी, ज्योति सिंह जी, आप कैमरा ऑन करके रखिए सुंदर साथ जी, फिर मैं पिक करने में इजी होता है, सामने आ जाते हैं ना स्क्रीन के। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, 6,600 आए हैं। 6,000 तो पूरा जो हमारे बड़े बगीचे हैं उसको घेर के आए हैं, और जो एक छोटे बगीचे हैं उसको घेर के 6,600, तो पूरा मिला करके 6,600 हो गए। 66,000। हाँ जी, 66,000। हाँ जी, अभी हम शशि दीदी को पता है, मुझे ऐसे लग रहा है उनके मुख से। शशि दीदी एग्जैक्टली कितने आए हैं? 66,176। क्या बात है, आपकी टीम सुपर प्राउड, आपकी टीम अति सुंदर। 66,176 बहुत प्यारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत आनंद आ रहा है टीमों में खेलने में, है ना सुंदर साथ जी, बहुत आनंद आ रहा है इसमें। हाँ जी सुषमा दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मेरा तीसरा प्रश्न है, अग्नि कोने के श्री चहबच्चे जी पर कितने और कौन कौन से वृक्षों ने छाया डाली है? क्या बात है, चहबच्चों की तो एक एक शोभा पता होगी मुझे ऐसे लगता है। अग्नि कोण के चहबच्चे पर कौन कौन से वृक्षों ने छाया डाली है? हाँ जी, जल्दी जल्दी से हैंड रेस करते जाइए, मैं पिक करने वाली हूँ, बस होने वाला होने वाला, जल्दी जल्दी। हाँ जी सुंदर साहब जी, अग्नि कोने के श्री चहबच्चे जी पर कितने और कौन कौन से वृक्षों ने छाया डाली है? कितने वृक्षों ने भी है और कौन कौन से भी है? एक सुंदर साथ कौन कौन से बता दे, दूसरा सुंदर साथ हाथ मिलाए और कितने बता दे, है ना भाई। हाँ जी स्वर्णा आंटी, प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अग्निकोण के चचे में बट और जामुक वृक्षों ने छाया डाल ली है। बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत प्यारा। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, दो वृक्षों की छाया तो डाल दी, एक वृक्ष रह गए हैं बस, देखते हैं कौन से, बीच में छतरी मंडल थोड़ा सा रह गया है, उनको भी देख लेते हैं। रमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, एक तो जामू, जामू और नारंगी के दो दो फॉर्म के छतरी मंडल है, और बट का जो है 5 फॉर्म का छतरी मंडल है, 5 फॉर्म का, और बट पीपल चौकी के 4। हाँ जी, तो बट पीपल के 4, बट के वृक्ष के 4 छत्री मंडल, और जांबू और नारंगी के 2 छत्री मंडल। अति सुंदर, बहुत प्यारा उत्तर, बिल्कुल परफेक्ट। प्रणाम जी। प्रणाम जी। शर्मा परिवार पूरा ही बहुत प्यारे प्यारे उत्तर देते जा रहे हैं, ये बहुत सुंदर। श्रीनिवास अंकल हो, अनु हो, रमा हो, सारा और आगे दीक्षा दीदी हो, अति सुंदर। रेनू जी, मैं उनका भी हैंड रेस देख रही हूँ और पूछने, अरे मैंने देखा ही नहीं ये भी शर्मा है, सुषमा शर्मा, क्या बात है। प्रणाम जी, आज बहुत कोइंसिडेंस हो रहे हैं। प्रणाम जी, हाँ जी, कितने वृक्ष हैं ये भी उन्होंने एक पूछा था, कितने वृक्षों ने, किसी सुंदर साथ को एग्जैक्टली याद हो, वैसे ये गिनती याद करनी जरूरी नहीं है, मैं एक बार मैंने लोअर, ये क्वेश्चन मेरा है दीदी, ये क्वेश्चन मेरा है, मत ओपन कीजिए। अच्छा ये आपका है, ओके फिर मैं बाद में पूछूंगी, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट पूछिए आप सुषमा जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, मेरा चौथा प्रश्न है, 9 चौकों के चारों दिशाओं में कुल कितने गुर्जों की शोभा आई है?
नौ चौकों के चारों दिशाओं में कुल कितने गुर्जों की शोभा आई है? ये तो मुझे भी गिनना पड़ेगा, कितने गुर्जों की शोभा आई है। सोचिए एक दिशा में पहले सोचिए और फिर चारों दिशाओं में, है ना। ये तो उत्तर भी आपको ही बताना पड़ेगा सुषमा जी, मैंने भी नहीं गिना है ये। हाँ जी, नौ चौक के चारों एक दिशा में कितने गुर्जाए हैं, फिर देखिएगा कोने वाला ध्यान से और फिर चारों में, है ना। तो अरे वाह, विजय आंटी बिल्कुल रेडी हैं उत्तर देने के लिए। हाँ जी विजय आंटी, प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। नौ चौकों में जो है एक तरफ तो हमारे आएंगे छह गुर्ज, तो चारों कोनों में मिला के 24 गुर्ज होने चाहिए। अति सुंदर ब्यूटीफुल, क्योंकि इसमें तो कोने वाले का कोई वो ही नहीं है, उसमें भी दो ही आएंगे, इधर भी दो ही आएंगे। बहुत प्यारा ये प्रश्न भी, बहुत सुंदर। और विजय आंटी वाव ब्यूटीफुल, एकदम से सोच के उसका उत्तर देना, वेरी गुड। प्रणाम जी बिल्कुल प्रणाम जी। और सुषमा जी आपको कैसा लगा प्रश्न बना के, आप बताइए। वही पहले तो थोड़ी घबराहट हुई कि बहुत ज्यादा शोभा दे दिए सोनिया जी ने, फिर राज जी ने हाथ पकड़ा और आपकी साथ हुआ, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी। अब तो लग रहा है कि मैं और बनाऊं, बहुत अच्छा ना, ऐसा लग रहा है ना एक दिन खुला। और सुंदर साथ जी घबराइए मत, आपने किसी विशेष कारण से टीम में अपना नाम नहीं भी दिया था ना कि 6 तारीख को हम बिजी रहेंगे तो इसलिए टीम में नहीं देते। आप भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप अपना नाम लिखकर भेजिए, बिना टीम वाले सदस्यों को भी एक दिन लाएंगे जो कि टीम में नहीं है पर प्रश्न पूछना चाहते। देखिए कितना आनंद आ रहा है प्रश्न बना के सुंदर साथ जी को, अति सुंदर। सुषमा जी एक बात और बोलना चाहूंगी, वो जो 6 तारीख का प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हुआ है, भले ही हमसे नहीं होता लेकिन उसकी भी जिज्ञासा मन में है कि किस तरह का करवाती सोनिया जी, उसका भी थोड़ा वो हो रहा है हमें दुख। अरे वाह, नहीं राजी महाराज ने ये प्लानिंग कर रखी थी कि डूबे सुंदर साथ रिवीजन में, आपने देखा किस किस तह तक, मुझे लगता है पेड़ तो गिन लिए, उनके नीचे उतर रहे हैं अब कि उनके अंदर की सीढ़ियां कैसी दिखती होंगी इतनी गहराई तक राजी ने लेकर जाना है, फिर ऊपर ऊपर के प्रश्न पूछ लेने हैं, बस गहराई में हमने डूब जाना है। तो अति सुंदर वो भी होगी, डोंट वरी, उसका प्लान किया जा रहा है जल्दी ही। वो तो हम समझते हैं कि परम धाम है, वो यहाँ की बुद्धि है हमारी ही, राजी इतना प्यार कर रहे हैं, लाड़ कर रहे हैं, जो हमें परम धाम की शोभा में डुबो रहे हैं, बट फिर भी थोड़ा सा होता कि किस तरह करवाएंगे। और वो जो मेरा क्वेश्चन है उसमें अगर थोड़ा सा वो करा जाए कि 15-15 मंदिर की जगह तो श्री रंग महल जी ने ले लिए, और बाकी आगे जो उसके वृक्ष आएंगे उनके जाम्बू जी के, तो वो दो हिस्सों में आएंगे, जैसे 125 15 कट गए 120 और 15 उससे कट गए, तो वो ये तो उनका प्रश्न है ना, ये तो उनका प्रश्न है, प्रश्न है वो, उन्होंने बोला ना अभी नीता दीदी ने प्रश्न पूछना है, ये इसीलिए तो चुपचाप रह गई, मैं उस टाइम कुछ नहीं लिख किया। प्रणाम जी। हाँ जी अब हम चलते हैं प्यारी सुनीता सिंगल दीदी की तरफ, जिन्होंने मुझे उनका एक बात कभी नहीं भूलती, 5वीं भोम की गेम सामने लगाई, सरप्राइज टेस्ट नहीं होता राज्य की तरफ से, ऐसे जैसे दिल में आए सुनीता दीदी आप चल के दिखाइए, मुझे कोई बोलता मैं कभी नहीं चल पाती, उन्होंने एक एक करके पूरा वो रंग महल तक पहुंच गई थी, मुझे बहुत खुशी हुई थी उस दिन। प्रणाम जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी मैं एक बात आपसे शेयर करूंगी। पहले पिछले फ्राइडे को आपका कॉल आया था मेरे पास, और उसके बाद जब आपने हिंडोला टीम के जब अनाउंस की कि क्वेश्चन बनाने, जब अनाउंस की तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैंने उस समय आपके कॉल को, और फिर राज्य ने मेरा हाथ पकड़ा और आपने इस काबिल मेरे को समझा कि राज्य वो कार्य करवाना चाहते थे। बिल्कुल अति सुंदर, मुझे ऐसा लगा कि जब पूरी टीम को एक सदस्य यदि कहे
कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो राजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपको मैं पूरा ग्रुप पूरी टीम देता हूं, आप मिलकर यूनिटी से एकता से वो भी कर जाएंगे जो कभी अकेले सोचते हैं कि नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें एकता बनाकर रहना है। एंड बिल्कुल भी आंखों में वो आंसू भी प्रेम के, अति सुंदर आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी दीदी। मेरा पहला क्वेश्चन है, हमारे रंग महल की पश्चिम दिशा में जो हमारे पश्चिम के चौगान आई है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, और पूर्व दिशा में कौन से वनों ने कितना एरिया कवर किया है? अरे वाह, मुझे लगता है इनके चार प्रश्नों में 8 प्रश्न कवर्ड है पक्का। अति सुंदर, तो यदि सुंदर साथ की लिमिट भी रखे 4 प्रश्न, तो ए बी सी पार्ट उसमें बनाए जा सकते हैं। ये बहुत प्यारा प्रश्न इन्होंने पूछा है, वेरी नाइस। हाँ जी, तो अभी हम चलते हैं। अरे वाह, बहुत कम हाथ खड़े हुए हैं सुंदर साथ जी। पश्चिम की दिशा, पश्चिम की चौगान का हम इसी बहाने 2 सुंदर साथ ले लेंगे इसमें। हाँ जी भावना जी, प्रणाम जी, पश्चिम की चौगान की लंबाई चौड़ाई। पश्चिम, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम दीदी। पश्चिम की चौगान की लंबाई चौड़ाई 4.5 लाख कोस की चौड़ाई और 9 लाख कोस तक की लंबाई को उसने कवर किया है पश्चिम की चौगान। हाँ जी, आपको मंदिरों में भी पता है कितने मंदिर की लंबाई और कितने मंदिर की चौड़ाई? दीदी इतनी कैलकुलेशन नहीं पता। एक मंदिर में 100 हाथ होते हैं ना, बोलते हैं ना, तो सेम यही 9000 और 450। हाँ जी बिल्कुल सही, 9000 और उधर 4500। अति सुंदर, बहुत प्यारा उत्तर, और कोस में बता सकते हैं 100% बिल्कुल सही आपका उत्तर है। अति सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, तो इसका बी पार्ट जो था ना, वो हम पूछते हैं पूर्व में 7 वनों के बारे में, वो बी पार्ट के बारे में बताएंगे कल्पना जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। अनारवन, अमृतवन और एक तरफ जाम्बू वन आएंगे और इस अनार बनाएंगे, अनार बनाएंगे। नहीं, मेरा क्वेश्चन था, नहीं मेरा क्वेश्चन था, पश्चिम के चौगान का कितना एरिया कौन से वन ने कवर किया है, पूर्व दिशा का? उसकी पूर्व, मुझे लगा रंग महल की पूर्व। नहीं, नहीं। तो पश्चिम की चौगान की पूर्व दिशा में कौन कौन सा वन लग रहा है, वहां पे कौन सी कितना कौन सा भाग लग रहा है, पीछे पूर्व में कौन कौन सा शोभा? दुलीचा। हाँ जी, और धूप दुलीचा, वो 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा है। हाँ जी, तो 4500 में से 1500 में तो धूप दुलीचा आ गया। इस साइड कुंज वन ने जगह ली है। हाँ जी, बस यही था ना आपका प्रश्न? जी। अरे वाह, क्या बात है, देखिए इसको बोलते सरप्राइज। उनको भी लगा रंग महल का पूर्व, पर उन्होंने जैसे ही समझा हमें कुछ रटने की जरूरत ही नहीं, हमें अंदर पता है सब सुंदर साथ को, बस चुका है। वेरी गुड, प्रणाम जी। और भावना दीदी भी एक ही ग्रुप के थे, मिलके जवाब दिया। वाह, ग्रुप्स याद नहीं रहते, पर कोई बात नहीं, उत्तर तो दे सकते हैं इसमें, बहुत सुंदर देते हैं। कितना प्राउड होता है, कितना वो होता है ना देख के, मेरी टीम का मेंबर बैठा हुआ है ये, वाह। प्रणाम जी, वेरी एक्टिव टीम रही है उत्तर देने में, इसका मतलब। प्रणाम जी। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, दसवीं आकाशी पे, दसवीं चांदनी पर जो 3 मंदिर की नहर जहां कटती है, वहां पे जो चहबच्चा आता है, जहां पे चहबच्चा आता है, वो हमारी प्रथम भूमि की किस शोभा के ऊपर आता है? वाओ, सो ब्यूटीफुल, अति सुंदर, मतलब जो बड़ा चहबच्चा आता है, 3 मंदिर की नहर, 3 मंदिर की नहर से कटती है, तो बीच में बड़ा चहबच्चा जो बनते हैं नीचे प्रथम भूम में या बाकी सारी भूमों में, वहां क्या शोभा आती है, क्या शोभा आई है वहां? हाँ, बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये, वेरी नाइस। चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। हाँ जी, अनम्यूट नहीं हो रहा, मैं 1 मिनट फिर से करती हूँ, कीजिए।
अनम्यूट नहीं हो रहा। हाँ जी प्रणाम जी, नीचे वो जो हवेलियां आती है ना सीधी, और इस तरफ से जाती तो बीच का जो चौक आता है जहाँ पर चबूतरा भी है और गोल हवेलियों के बीच में चौक आता है, वो आता है। क्या बात है, कौन कहता है कि पहली बार सीखने वाले पीछे नहीं छोड़ सकते, सबको तेज दौड़ लगा रहे हैं पहली बार, और वो भी आप सोच सकते हो YouTube के वीडियोस पर जो गहराई वाले कमेंट्स इनके आते हैं ना, मैं खुद पढ़कर हैरान हो जाती हूँ। अति सुंदर चांद कमल आंटी, बहुत प्यारा। जहाँ पे हमारी चार चौरस हवेलियों के कॉर्नर मिलते हैं और जहाँ पे चार त्रिपोलिये कटते हैं, जो बीच में एक मंदिर का चौक भी बनता है, बीच में चबूतरा भी बनता है और गोल हवेलियों के बीच में चौक बनता है। हाँ ठीक है, एकदम सही। इनके एग्जैक्टली नीचे यानी पूरी 24 मेहराबे बन जाती हैं, तीन ही मंदिर 24 मेहराबे भी यूज करती हैं, तीन मंदिर ऊपर है ना। प्रणाम जी, मेरा तीसरा क्वेश्चन है, हमारे रंग महल में के जो ईशान कोण का छह बच्चा है, हम जो 30 मंदिर का एक्सपोर्ट पार्ट के ऊपर खड़े हैं सब रूम में, और सामने हमें शोभा दिखाई देती है, कौन से वनों की कितने मंदिर की जगह में, कितने कितने मंदिर की जगह में कितने कितने वृक्षों ने छाया डाली, और मैं क्या शोभा, कितने मंदिरों में कितने वृक्षों की शोभा दिखाई देती है। हाँ जी, बहुत प्यारा प्रश्न। श्री ईशान कोण के चह बच्चा में उनके पार्ट्स कर लीजिए, कितने पार्ट्स होते हैं, तो कितने कितने मंदिर में कितने कौन कौन से प्रकार के वृक्षों ने छाया डाली है, और वो कितने वृक्ष भी आए, कितने मंदिरों में कितने वृक्षों ने। अरे वाह, बहुत ही प्यारा प्रश्न, संक्षेप में सारा ईशान कोण का चह बच्चा इनमें कवर हो जाएगा। हाँ जी, हैंड रेज कीजिए सुंदर साथ जी, यदि आप पार्ट भी बताना चाहें कि कौन कौन से वृक्ष आए हैं तो दूसरे सुंदर साथ जी पकड़ लेंगे आगे, कोई चिंता की बात ही नहीं है। हाँ जी बबीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप हमें दिखाई नहीं दे रहे, आप हमें दिखाई नहीं दे रहे। हाँ जी, वृक्षों ने एक तो डाली है छाया, एक लंबोई के एक नार के, ताड़वन का तो एक छतरी डालेगा, और लंबोई के दो छतरी डालेंगे, और अपने अनार का एक कठड़ा बनेगा, एक कठड़ा बनेगा दीदी। अनार का एक बनेगा, क्यों, लिबोई कोई स्पेशल है? लिबोई और अनार तो एक जैसे, एक स्वरूप, दो भोम, तीसरी चांदनी। अनार के भी दो बनेंगे। हाँ जी बिल्कुल, मुझे पता है, जैसे हम पढ़ते हैं ना अपने परम हंसों की, कितनी प्यारी प्यारी भाषा, अलग अलग रूप, कोई गुजरात से, कोई नेपाल से, कोई पंजाब से, कोई इंग्लिश एक्सेंट में, कोई एसमीज एक्सेंट में, इतनी प्यारी प्यारी भाषा सब सुंदर साथ की लगती है, मुझे बहुत प्यारा लगता है जब आप बोलते हैं। प्रणाम जी बिल्कुल सही आपने कहा। मेरा क्वेश्चन था बबीता जी, सुनीता दीदी उन्होंने ना पार्ट कवर किया उसका, अब आगे भी सुंदर साथ बताएंगे इसको। दीदी ताड़वन के 105 वृक्ष बनेंगे, ये लो। हाँ जी ताड़वन के 105 बिल्कुल सही, लंबोई को 60 वृक्ष बनेंगे, और टोटल हो गए ये 113 वृक्ष हो गए, ये नहीं हुए अभी, नहीं अभी, ठहरो दीदी। ताड़वन के अनार के बनेंगे उतने ही जितने अभी बोले थे। हाँ जी, ताड़ के तो 105 बनेंगे, और लंबोई के 60 बनेंगे, और उसके भी 60 बनेंगे अनार के। अच्छा तो 113 किसके बनेंगे फिर? 113 तो वो हो गए ना तेरे, 105 और नहीं। वेरी गुड, आप बिल्कुल बिल्कुल पास लेके जा चुके हो, डोंट वरी, एक और सुंदर साथ का हाथ पकड़ना है ना अभी हमने, एक मिनट। हाँ जी वीना अग्रवाल दीदी, प्रणाम जी। हेलो प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, आप भी हमें दिखाई नहीं दे रहे। नहीं मेरा तो कैमरा खोला हुआ। अच्छा नहीं दिख रहे? अच्छा दूसरे में। अच्छा दूसरे में खोला हुआ है, नहीं खोल दिए। अच्छा हाँ जी
पिनाड़ बन के तो 105 मंदिर में, वो बाकी दोनों एक एक 120 में है। अच्छा, एक और सुंदर साथ जी, 105 ताड़ के तो बिल्कुल दिल में धंस गए सब सुंदर साथ के, लंबे बहुत है ना वो, अति सुंदर, बहुत प्यारे। हाँ जी, तो नीलम दीदी एक बार उत्तर दे चुके हैं वैसे, हाँ जी उनके पास आएंगे अभी। कृष्णा भल्ला जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, मतलब कि उनके ताड़ बन के तो 113 आएंगे और अनार के आएंगे 60-60 करके दो आएंगे, क्योंकि 120-120 की जगह आएंगे 60-60, और जो तीसरे आए लिम्बोई के उसके आएंगे 53। अच्छा, इनको एक बार कंफर्म कर लेते, अब चलते हैं नीलम दीदी की तरफ। हाँ जी नीलम दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, ताड़ वन से ही चलते, ताड़ वन के आएंगे 105 और फिर लिबोई के आएंगे 60, फिर अनार के 60 और अनार के 105 वाली जगह पे 53 और आएंगे। बिल्कुल सही है, 60 और 53 हो गए 113, अनार के 113 और लिबोई के 60 और ताड़वन के 105। अरे वाह, टू द पॉइंट, सटीक उत्तर, अति सुंदर। प्रणाम जी, सुंदर साहब जी एक मिनट, ये ना आपको इससे एक बार लगता है थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन है, तो एक बार आप पिक्चर भी देख लीजिए इनकी। ये देखिए, ये यहाँ पर है ताड़वन के 105, उसके बाद देखिए लिबोई इतना ही है बस, तो लिबोई के 60 और अनार के यहाँ तो 60 पर यहाँ पर 53, क्योंकि थोड़े से वृक्ष इधर कम हो गए हैं, रंग महल के पास वो मिल गए हैं, इसलिए ताड़ के भी कम हो गए, ताड़ के भी 120 होने चाहिए थे ना, पर 15 मंदिर रंग महल के साथ मिल गया ये वाला हांस, तो 105 ही आए हैं इनके भी, तो इनके भी 53 इसीलिए आए, तो अनार के 113, लिबोई के 60 और ताड़वन के 105। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। मेरा चौथा क्वेश्चन है, अगर हम सब रू हैं 11वीं आकाशी पर, रंग महल की 11वीं आकाशी पर सब रूहें राज श्यामा जी के साथ चारों दिशाओं की शोभा देख रहे हैं, और शोभा देखते देखते हम स्पेशल हांस की आकाशी में आ गए हैं, शोभा देखते देखते हम पूर्व दिशा की स्पेशल हांस की आकाशी में आ गए हैं, तो क्या हम वहां से ही नीचे उतर सकते हैं? अगर उतरते हैं तो कौन सी जगह पे लैंड करेंगे? हाँ जी, एक बार और रिपीट कर दीजिए। 11वीं आकाशी से जो रंग महल के स्पेशल हांस की 11वीं आकाशी जो दहलान है, हम उसी से नीचे उतर सकते हैं? अगर उतर सकते हैं तो कौन सी जगह पे लैंड करें? अरे वाह, ये बहुत ही नई, अभी एक नई सी प्यारी सी शोभा मिली थी, ये उसका प्रश्न है सुंदर साथ जी, क्या बात है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हाँ जी, किन्होंने उत्तर नहीं दिया अभी तक, उनसे पूछेंगे। हाँ जी, राज रानी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, थोड़ी कोशिश करती हूँ। इसमें ये है कि इसमें स्पेशल चार सीढ़ियां जो गुमटियों के मतलब के एक मतलब के जो चार स्पेशल गुमटियां उनके किनारे पे उतारी गई हैं, उन सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे 10वीं चांदनी में। और कहाँ पे लैंड करेंगे एग्जैक्ट जगह? ये जगह है छज्जे पे, और एक दो सीढ़ियां जो आगे गली में उतरेंगी शायद। हाँ जी, इसको बहुत सुंदर, चार सीढ़ियां अति सुंदर, दो सीढ़ियां तो उतरी भी बिल्कुल सही जगह पे, अब पिछली दो सीढ़ियां कहाँ पे उतर गई वो भी देखते हैं। हाँ जी, तो हाँ जी मीनू दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथियों, जो खाली जगह रही थी ना आगे हमारे चांदनी पे, उस जगह उतरेंगी, आगे वाली तो छज्जे पे उतर जाएंगी, और उधर जो हमारी नहर के आगे जो खाली जगह रह जाती है ना वहां उतरेंगी। हाँ जी, अति सुंदर, बहुत प्यारी। एक, हाँ जी एक मिनट, एक
आई थिंक मीनू दीदी उन्हीं की ही बात कर रहे हैं। एक बार कौन से, अनीता दीदी, अनीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। मुझे लगता है जो बाकी की दो सीढ़ियां हैं, दो तो छज्जे पे उतरी हैं विक्रमा रॉस की, और जो दूसरी लास्ट वाली दो सीढ़ियां हैं वो जो पहली गली आई है ना उस पे उतरी हैं, मुझे ऐसा लगता है। मतलब वो ऊंची है या गली, मतलब नीचे लेवल की जगह है, कौन सी लेवल की जगह है जो पहले ढलानों के बाद ऊंची वाली जो है? हाँ जी, मतलब दहलान पे चढ़ते ही जो पहली गली आई है वो वाली पे उतरी है। अति सुंदर। हाँ जी, मैं एक मिनट आपको ना इसका नक्शा दिखाती हूँ सुंदर सर जी। हाँ, हम दहलान स्टार्ट होती है ना जो पहली गली साथ में ली हुई है, यानी कि जब दहलान स्टार्ट होती है वो गली प्लस जो मंदिरों की हार वो वाली जगह। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ये देखिए इसको एक बार हम ये इसमें होगा। एक मिनट सुंदर सा जी, मुझे एक मिनट। देखिए कितने प्यारे प्यारे प्रश्न हमारे, यदि कोई कंफ्यूजन भी रही होगी ना तो इन प्रश्नों के माध्यम से राजजी महाराज वो भी दूर करते जा रहे हैं कि किसी किसी रूह के दिल में यदि ये रह भी गया हो तो। ये देखिएगा, इन सीढ़ियों की बात हो रही थी सुंदर सा जी, ये देखिए ये वाली ग्यारहवीं चांदनी से यदि आपको नीचे उतरना है तो ये स्पेशल जो सीढ़ियां उतरी है ना ये वाली, तो ये कहाँ कहाँ उतरी है आप समझाइए सुनीता दीदी, आप बोलते जाइए। प्रणाम जी, ये हमारी पहली सीढ़ी उतरी है जो हमारा 66 मंदिर हाथ का जो गुर्ज के बाद 33 मंदिर की 33 हाथ की जो जगह बची है, 34 हाथ की जो जगह बची है एग्जेक्ट उसके बीच में उतरी है ढलान के ऊपर, छज्जे के ऊपर जो तीन मंदिर की ढलान आई ना पहला छज्जे के ऊपर जो हमारा गुर्ज बना है 66 हाथ का, जो 34 हाथ की जगह बच गई है उसके बीच में उतरी है। और दूसरी सीढ़ी जो उतरी हमारे जो कमर भर जो चबूतरा उठिया है पहली गली के, पहली गली में जो तीन मंदिर के ढलान बनी है जो चबूतरा उठा है कमर भर का उसके ऊपर उतरी है। हाँ जी, तो ये दो सीढ़ियां तो छज्जे पे है तो सारी ही ढलान, पर ये छज्जे के पार्ट पे दो सीढ़ियां, और ये जो पहली गली नीचे आती है अभी तो ये दहलान का बाहर से पहला मंदिर ले लीजिए और फिर भीतर से पहला मंदिर ये हुआ, इस पे उतर गई है ये दूसरा सेट ऑफ सीढ़िया। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साहब। हाँ जी, अति सुंदर, बहुत ही प्यारी तैयारी करके, और वो भी इतने शॉर्ट नोटिस में। बाकी टीमों को तो कम से कम एक हफ्ता तो मिला करेगा, इस टीम को केवल दो दिन का समय दिया गया था सुंदर साहब जी, अनाउंसमेंट हुई केवल दो दिन के समय में कितनी प्यारी इस टीम ने तैयारी की है। और हमारे एक मेंबर अभी हैं दिव्या जी, दिव्या जी के प्रश्न हम लेंगे और उसके बाद अति सुंदर अनाउंसमेंट्स की तरफ हम सब। दिव्या जी आज नहीं है मुझे लगता है, दिव्या जी नहीं आए हैं। सुनीता दीदी दिखाई तो नहीं दी दीदी, है ना, वो किसी और नाम से तो नहीं है? यदि आप कैमरा ऑन करेंगे तो मैं आपको देख पाऊंगी। उनके ग्रुप में क्वेश्चन भी नहीं आए थे, उनके क्वेश्चन भी नहीं पता क्या क्वेश्चन थे उनके। अच्छा, उन्होंने भेजे थे मुझे और फिर अंकल जी को भी भेज दिए थे। श्रीनिवास अंकल, यदि आपके पास उनके प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, उनके प्रश्न हो जाएंगे उनकी तरफ से। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ दिव्या जी आई नहीं है, खैर हो सकता है किसी कारणवश ना आई हो, तो उनके प्रश्न आए हुए हैं, उन्होंने मेरे को भेजे हैं और आपको भी भेजे। हाँ जी हाँ जी, तो आप पूछेंगे तो और अच्छा लगेगा। हाँ, कोई बात नहीं। ये उनके चार प्रश्न है जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं। नंबर वन पर है, श्री रंग भवन की पूर्व तरफ हांसों हांसों की संधि में गुर्ज कितनी लंबाई और चौड़ाई के आए हैं, यानी गुर्ज की लंबाई चौड़ाई क्या है? अरे वाह, अति सुंदर, दिव्या ढींगरा जी के भी अति सुंदर प्रश्न, बहुत प्यारा, गुर्जों की लंबाई चौड़ाई। हाँ जी तरवीन गुप्ता जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम। वो 66 हाथ लंबे और 66 हाथ चौड़े आए हैं। अति सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रश्न नंबर दो की तरफ चलते हैं, रसोई की हवेली में ईशान कोने से पश्चिम की तरफ पहला मंदिर कौन से रंग का आया है,
प्रश्न द्वारा से, रसोई की हवेली में ईशान कोने से पश्चिम की तरफ पहला मंदिर कौन से रंग का आया है, यानी कि एक को छोड़ करके, कॉर्नर को तो कॉमन है वो, उसको छोड़ करके जो नेक्स्ट आएगा वो किस रंग का है? हां जी रेनू शर्मा जी, प्रणाम जी, पापा के प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रणाम जी, श्याम रंग का मंदिर आया है। करेक्ट, प्रणाम। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। अगिन कोने व नैऋत्य कोने के छह बच्चों की कोट दीवार कितने मंदिर की मोटी आई है? अगिन कोने द्वारा से, अगिन कोने व नैऋत्य कोने के छह बच्चे की कोट दीवार वो कितने मंदिर की मोटी आई है, यानी उसकी जो ऊपर की परिक्रमा है जो छह बच्चे की, वो उतना ही कोट दीवार उतनी ही मोटी है जितनी उसकी परिक्रमा, तो कितने मंदिर की आई है? ये बहुत सुंदर प्रश्न है, ये तो हमने सोचा ही नहीं। ऊपर का तो पता है, दीवार कितनी मोटी होगी। सरोज दीदी, प्रणाम जी। सरोज भसीन जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, एक मंदिर की। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। बहुत सुंदर। अच्छा एक 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 क्वेश्चन उन्होंने बूझो तो जाने के रूप में लिखा है। हाँ जी, तो चौथा प्रश्न है ये, मेरी दिशा उत्तर की है, सुगंधित नूरी जल का ताल हूं, मेरी गिर्द 112 मंदिर की है, मेरी तीन भौम जल की शोभा है। मैं द्वारा से बोल रहा हूं, मैं मेरी दिशा उत्तर की है, सुगंधित नूरी जल का ताल हूं, मेरी गिर्द 112 मंदिर की है, मेरी तीन भौम जल की शोभा है। क्या बात है, उत्तर में जल की शोभा तो बस पता लग गया। हां जी गीता चौहान जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, ये खड़ोकली की शोभा है। बिल्कुल सुंदर है वो, 28 मंदिर में जल आया है लंबाई चौड़ाई में, तो इसलिए उसकी गिर्द जो है, जल की गिर्द जो है वो 112 मंदिर की इसमें उन्होंने भेजी है। तो ये इन चारों क्वेश्चन के उत्तर बहुत ही अच्छे और बहुत सुंदर ढंग से दिए हैं। बहुत 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 धन्यवाद। प्रणाम जी, प्रणाम जी, हिंडोला टीम को बहुत बहुत बधाई सक्सेसफुली इतना प्यारा कार्यक्रम आज चलाने के लिए। अति सुंदर, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप सब सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा लगा। 112 मंदिर की ग्रिड पता है कैसे बनी, जैसे अभी अभी श्रीनिवास जी ने बताई, जल की जो है वो है 28 मंदिर की लंबाई, 28 मंदिर की चौड़ाई, तो 28 28 28 और 28 बन गए 112 मंदिर जल, ऊनी जल, अति सुंदर। हां जी, तो सुंदर साहब जी एक बहुत प्यारी, अभी हम थोड़ी सी अनाउंसमेंट्स भी सुनेंगे, और यदि सुंदर साथ एक और जो नक्शा बनकर आया नया उसके बारे में भी आज बताया जाएगा, और आज श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो सेवे आठों जाम हम पढ़ चुके हैं, और आज चौपाई नहीं पढ़ी जाएगी, और परंतु चौपाई से रिलेटेड बहुत प्यारी सी जो तैयारी की गई है वो हम देखते हैं। हाँ जी आशीष जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साहब जी, आशीष जी ने ये बहुत ही प्यारी एक एक्सेल शीट बनाकर तैयार कर दी गई है, उसमें ये देखिए ये टीम जो है इसको स्टार, कितने स्टार आशीष जी देते जा रहे हैं, ये हिंडोला टीम है हमारी, ये इन्होंने आज की फ्राइडे का क्विज कितने प्यार और कितने सहयोग से, सहयोगिता का कितना प्यारा वो प्रदर्शन किया है, अति सुंदर अति सुंदर अति सुंदर। तो इतने स्टारे, सारे स्टार राजी महाराज के दिल से आज वो निकल रहे होंगे, वो सितारे प्रेम के ये पूरी टीम के लिए। तो ये 11 मार्च का क्विज अभी हो चुका है, अगली तैयारी भी अब ये देखिए नेक्स्ट टीम जो रहेगी इसमें उनको देखते हैं। उनका कलर था, हमारा जो कलर था वो ग्रीन था, आज का ग्रीन रहेगा। आप देखिए कलर कोडिंग, कलर आज जो है जो आने वाला है वो ग्रीन रहेगा, फिर उसके बाद रेड कर दिया जाएगा कि ये हो चुकी है टीम, आज हम इनको रेड कर देंगे कि ये हो गई है।
ठीक है, पिंक कर देंगे रेड कर। अब नेक्स्ट टीम जो आने वाली है वो होगी दो नंबर, यानी के अगली टीम येलो कलर की, येलो सिग्नल, अगली टीम ग्रीन सिग्नल फिनिश, अब येलो की तरफ चलेंगे। येलो टीम कौन सी रहेगी और फिर तीसरी उसके बाद आने वाली टीम नीले रंग की रहेगी और जो हो चुकी है वो पिंक कलर की, यानी आज हिंडोला टीम पिंक हो जाएगी, पूरी राज्य के ग्लो से, उनके नूर से, वो पिंक रंग पर वाली मंदिर की तरह गुलाबी रंग की आभा लिए हुए इतना प्यारा प्रदर्शन किए। हाँ जी, तो अभी देखिए नेक्स्ट किन की, क्योंकि दो हफ्ता छुट्टी रहने वाली है ना, तो नेक्स्ट टर्न जो है वो गुमटिया टीम की रहेगी। ये पूरी एक्सेल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी ताकि सुंदर साथ को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इनके मेंबर्स भी देखिए, आशी जी, बालाजी, शकुंतला थपालिया जी, सिमी गोयल जी, रितु आनंद जी और नीलम मिड्ढा जी, ये गुमटिया टीम 1 अप्रैल को परफॉर्म करेंगी अपने प्रश्न। अति सुंदर तैयारी, दो हफ्ते उनको राज्य की तरफ से ही मिल गए हैं, बल्कि 3 हफ्ते, क्योंकि तीसरे हफ्ता भी फ्राइडे होगा तो अगले दिन उनके पास वो भी रहेंगे। अति सुंदर। हाँ जी, नेक्स्ट टीम आशीष जी दिखाएंगे, 1 अप्रैल के बाद आएगा 8 अप्रैल, एक हफ्ते के बाद मेहराबे टीम की टर्न रहेगी क्विज तैयार करने की, जिसमें कि चित्रांशी जी, दुष्यंत जी, कृष्णा यादव जी, सुषमा हुरिया जी, जयश्री बेन अटारा जी और सरोज रानी जी रहेंगे। तो ये वाली टीम नेक्स्ट तैयार रहेंगी 8 अप्रैल को। ये तो हुए शुक्रवार के क्विज की बात। अब आगे है व्हाट्सएप का जो एवरीडे क्वेश्चन डालना होता है श्री प्राणा जीवानी ग्रुप में, तो वो भी टीमें ही मिलकर चलाएंगी हम। तो उसमें सबसे पहला, क्योंकि सेम टीम हर बार ना आए, तो सबसे पहली टीम चुनी गई है झरोखा टीम। झरोखा टीम 21 मार्च से, यानी ये एक हफ्ता हम प्रश्न नहीं डालेंगे, पासिंग द पार्सल एक खेल खेलेंगे, उसके बाद 21 मार्च से क्लास की तो छुट्टी होगी, व्हाट्सएप की छुट्टी नहीं होगी, वहां उत्तर हमें देते रहना है। तो ये मधु जी, कल्पना जी, राज रानी जी, भावना जी, डीपी सिंह जी और जोशना बेन जी, ये जो है झरोखा टीम, ये व्हाट्सएप के क्विज का प्रश्नों की सेवा संभालेंगे। 21 को मधु दीदी, 22 को कल्पना जी, 23 मार्च राज रानी जी, 24 मार्च भावना जी, 25 मार्च डीपी सिंह जी और 26 मार्च जोशना बेन। डोंट वरी, आप नोट भी कर सकते हैं, परंतु ये एक्सेल भी आपको भेज दी जाएगी, डोंट वरी, आपके पास रिटन रिकॉर्ड रहेगा हमारी बारी कब आने वाली। ये हुआ पहला, यानी ग्रीन कलर। अब अगला कलर आएगा येलो। अगले हफ्ते कौन सी टीम व्हाट्सएप